दर्शक नमस्कार, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका होस्ट संजय। इस समय में हमारे साथ में इस टॉपिक पर बात करने के लिए दो मेहमान जुड़ चुके हैं। जी हाँ, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ नागपुर से जुड़े हमारे पहले मेहमान की, जिनका नाम है सुनील पांडे साहब। तो हमारे दूसरे जो मेहमान है गुरप्रीत सिंह साहब, आप भी नागपुर से इस कार्यक्रम के लिए जुड़ चुके हैं। मैं दोनों मेरे मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि रोजाना यह कार्यक्रम आपके लिए ही ये बताया जाता है, और सरकार के अधिकारी मंत्री इस प्रोग्राम को खास तौर पर देखते रहते हैं। और क्या चल रहा है लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज को लेके, किस तरह कामकाज कर रही है, और क्या उनके ऊपर में किन दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है, ये तमाम तमाम बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, इन बीसीएन न्यूज चैनल नागपुर के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में बताया जाता है। तो हम हमारे दोनों मेहमानों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले, जैसे कि हमारे इस कार्यक्रम की परंपरा है कि हम हमारे दोनों मेहमानों का एक इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, तो मैं सबसे पहले हमारे सुनील पांडे साहब, जो कि नागपुर से जुड़ चुके हैं, मैं सर आपके बारे में बता देना चाहता हूँ कि सुनील पांडे साहब, आप ट्रांसपोर्ट फ्रेंड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हो और भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपोर्ट आघाड़ी के जिला उपाध्यक्ष भी हो, लकी फ्रेंड्स करियर के आप मालिक भी हो। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। उसके बाद दर्शकों, हम हमारे दूसरे मेहमान गुरप्रीत सिंह साहब के पास लेके जाते हैं, उनसे उनके बारे में यही बता देना चाहते हैं कि गुरप्रीत सिंह साहब, आप पिछले 15 वर्षों से ट्रांसपोर्ट लाइन में बेहतरीन काम कर रहे हो और इस बात का काफी तजुर्बा आपको है, और ऐसे हमारे दोनों पर्सनैलिटी को मैं फिर से एक बार उनका स्वागत करता हूँ और बढ़ता हूँ कार्यक्रम की ओर, जिसका बेसब्री से आप सब इंतजार करते हैं। पहला सवाल मैं सुनील पांडे साहब से करना चाहता हूँ। पांडे साहब, ये बताएं कि ट्रांसपोर्ट की हालात आखिरकार क्यों दिन ब दिन खराब हो रही है, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, क्या कहना चाहोगे सुनील पांडे साहब? सर देखिए, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज की जो यह हालत खराब हो रही है, उसके लिए सर हमारी जो भी वर्तमान सरकार रही है वही जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे इस व्यवसाय को करोड़ों लोगों को हम लोग देते हैं और पहले टैक्स भर के हमारी गाड़ियां आती हैं रोड पर, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई, कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, या जो भी सरकार हो, प्रदेश लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, कोई इस पर ध्यान नहीं देती है। सर मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ कि 2014 में जब सरकार बनी भाजपा की, नितिन गडकरी साहब ने हम लोगों को बुलाया और अपने संगठन से भाजपा अघाड़ी का नाम दे करके जोड़ा। हम लोगों ने बहुत आशा के साथ उनके साथ जुड़े और प्रचार भी किया और लाखों लोगों को सर हम लोगों ने जोड़ा कि हम लोगों को बॉर्डर से मुक्ति करा दी जाए, बॉर्डर पे आरटीओ के एंट्री से जो ये इतना बड़ा गैंग सब जी, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आई हुई दिखाई देती है। हमारा जैसे उनसे संपर्क होता है, हम सुनील पांडे साहब की ओर फिर से बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले गुरप्रीत सिंह साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही डीजल है? महंगा हो गया है, जीएसटी को में लाना चाहिए डीजल को, वो भी सरकार नहीं कर रही है मनमाने ढंग से। वर्ल्ड में रेट कम है, 40-42 डॉलर का है, और यहाँ देखिए कि 80 रुपए में डीजल हो रहा है। तो ये जो तकलीफें हैं सर, वो उससे क्या कहते हैं, हमारा व्यवसाय जो है 25 पैसा भी नहीं रह गया है। और जिस प्रकार किसानों की हालत होती है, उनको तो गवर्नमेंट सुनवाई करती है, लेकिन मोटर इंडस्ट्री की सर कोई भी सुनवाई कोई भी सरकार नहीं कर रही है। इस वजह से हमारा ये व्यापार व्यवसाय जो है बिगड़ता जा रहा है। और दूसरा सर, कम से कम एक 15 साल की पॉलिसी गवर्नमेंट लाए कि 12 साल नेशनल परमिट, 3 साल लोकल गाड़ियां चलें, वो भी कुछ भी नहीं कर रही, जिसके वजह से 65-68 मॉडल की गाड़ियां आज तक समझ लीजिए रोड पर सब चल रही हैं, जिससे और व्यापार व्यवसाय एकदम से खराब है। और इसकी बिल्कुल कोई भी सुनवाई न सेंट्रल लेवल पर, न प्रदेश लेवल पर नहीं हो रही। आवाज छोड़िए सर, रोड पे चढ़ने का हम लोगों से रोड टैक्स लिया जाता है, उसके बाद टोल टैक्स लगा करके डबल डबल पैसा वसूला जा रहा है। इसके लिए गडकरी साहब से कितनी बार जाकर के निवेदन दिया, पीएमओ में लेटर भेजा, लेकिन कुछ नहीं। जाओ बात करते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, करेंगे, बॉर्डर एंट्री हटाएंगे, ये लूट हो रही है, ये हो रही है, लेकिन उसके बाद में सर वहां से आए तो सारी बातें खत्म, कोई उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए ये बिल्कुल व्यापार हमारा एकदम दुर्दशा की तरफ सर जा रहा है। बिल्कुल, तो ये सटीक जानकारी आपने दी कि किस तरह से सरकार के मंत्रियों का कामकाज हो रहा है, वे किस अंदाज में आपसे काम कर नहीं रहे हैं, और क्यों आखिरकार ट्रांसपोर्ट की हालत खराब हो रही है, इसके बारे में काफी अच्छा विश्लेषण, काफी अच्छी बातचीत आपने की है।
मैं इसी विषय को लेकर हमारे दूसरे मेहमान गुरप्रीत सिंह साहब के पास जाना चाहूँ। गुरप्रीत सिंह साहब के पास हम बहुत जल्द उनके पास पहुंचने वाले हैं। सर ये बताइए कि गुरप्रीत सिंह साहब क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? गुरप्रीत सिंह साहब, हाँ जी सर बोलिए। बिल्कुल, आप उस मोबाइल को जैसे वैसे रहवा दीजिए, वैसे बीच में कॉल आ गया था इसलिए। चलो सर कोई कॉल नहीं लीजिएगा क्योंकि अपना ये प्रोग्राम जा रहा है। ओके, गुरप्रीत सिंह साहब आप ये बताइए कि जिस प्रकार से सुनील पांडे साहब ने ट्रांसपोर्ट की हालत क्यों खराब हुई ये जो बात कही है, कितना इत्तफाक रखते हो आप उनके बातों से, आपकी क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्योंकि पिछले 15 वर्षों से आप ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हो, आपका अनुभव क्या कहता है? आखिर ऐसी क्या बात हुई कि जिसके चलते ट्रांसपोर्ट की हालत दिन ब दिन खराब होते हुए नजर आ रही है, क्या कहना चाहोगे सर? सर देखिए, जहां तक मुझे लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन क्या होता है कि जब डीजल प्राइस हाइक होते हैं या फिर मार्केट जैसे उतार चढ़ाव आता है तो उसके अंदर में जो फ्राइट रेट्स कम हो जाते हैं, तो जब फ्राइट रेट्स कम होते हैं तो उसके कारण काफ़ी नुकसान होता है। अभी देख लीजिए, फिलहाल जो चल रहा है अभी डीजल का प्राइस बहुत बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से जो फ्राइट रेट है वो काफ़ी कम है, तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट जो ट्रकर्स का सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस हालात में अगर रहेंगे तो ये आने वाले समय में बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा और बर्बादी की तरफ बढ़ ही रहा है ये। तो मेरा सुझाव एक सरकार के लिए है कि जैसे डीजल प्राइस जो बढ़ता है उसके प्रोपोर्शनेटली ना फ्राइट रेट जो है वो भी ऐसा सेट करना चाहिए कि किलोमीटर के वाइज जैसे उसको एक लाइनअप करना चाहिए कि जितना डीजल बढ़ेगा और किलोमीटर के हिसाब से उतना ही फ्राइट भी बढ़ेगा, और अगर जैसे कम होता है तो कम भी किया जाए, लेकिन एक ऐसा सेटअप किया जाए कि फ्राइट रेट जो है कुछ फिक्स रहे, ताकि जो एक इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है वो फिक्स आती रहे ट्रक वालों को। नहीं तो अगर जैसे एकदम से भी बढ़ जाता है तो जो इतना जो घाटा होता है उसको रिकवर कर पाना, मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लाइन की जो रीढ़ की हड्डी मतलब टूटने वाला हिसाब हो जाता है। तो अभी जब तक मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, फ्राइट रेट जो फिक्स नहीं होंगे, तो ये जो ट्रांसपोर्ट लाइन जो है ये बर्बादी की तरफ ही बढ़ती रहेगी। बिल्कुल, ये ट्रांसपोर्ट जो लाइन है वो बर्बादी की ओर बढ़ती रहेगी, ये कहा है गुरप्रीत सिंह साहब ने, क्योंकि उनका अपना इसके बारे में एक उन्हें जो तजुर्बा जो मिला है, जो एक्सपीरियंस उन्होंने जो महसूस किया है, उसी के चलते उन्होंने ये बात कही है। और ये बात जब वे कह रहे थे तो कई शहर के ड्राइवरों के मन में भी यही बात जा रही थी कि हो ना हो इसी वजह से ट्रांसपोर्ट की हालत खराब हुई है, और डीजल जो 15 रुपए बढ़ चुका है। लेकिन आपने काफी अच्छी बात की कि प्राइस रेट जो है फिक्स होना चाहिए। अब मैं सुनील पांडे साहब आपके पास आना चाहूंगा। पांडे जी आप बताइए कि डीजल की जो प्राइस है उसको फिक्स कैसे की जा सकती है, अगर फिक्स करने में सरकार को कोई दिक्कत आ रही है क्या, या सरकार को इसका कितना फायदा हो रहा है, या डीजल के रेट बढ़ने से भारत वर्ष के नागरिकों को कितना नुकसान हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सुनील पांडे साहब? सर इस बात पे मेरा ये कहना है कि मेरी जहां तक समझ आ रही है कि आज की वर्तमान सरकार जो चल रही है वो डीजल और पेट्रोल के टैक्स से ही चल रही है, क्योंकि आप ये देखिए पेट्रोल पे तो एक बार ये बढ़ा लेते हैं जो भी चलता है, लेकिन डीजल पे सरकार को ये मालूम है कि इस पे अगर हम 48% के लगभग अगर हम टैक्स लगा रहे हैं सेंट्रल और स्टेट का मिला करके, तो उससे कितना प्राइस बढ़ रही है। और आज तो सर ऐसा कुछ है ही नहीं है, आज की जो ये डीजल बढ़ रहा है वो कोरोना का टैक्स लगा के वसूला जा रहा है, क्योंकि आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में आप देखिए तो $42 से ज्यादा है ही नहीं है रेट, तो यहाँ पर कैसे बढ़ गया रेट इतना? तो ये तो कोरोना का जो है पैसा वसूला जा रहा है पब्लिक से डीजल पेट्रोल बढ़ा करके, गवर्नमेंट के पास में और कोई सोर्सेस ही नहीं है। और दूसरा सर क्या है, डीजल जब तक जीएसटी में नहीं लाएंगे तब तक क्या कहते हैं एक फिक्स रेट जो है सेंट्रल और स्टेट का मिला करके 15%, 20%, 25%, 30% जो भी रखना चाहे रख ले, वो एक बराबर जीएसटी में रख ले तो उससे सर ये बराबर रहेगा।
और दूसरी हमारे भाई साहब ने जो गुरप्रीत सिंह जी ने कहा कि भाड़े का, तो भाड़ा क्या गवर्नमेंट की तरफ से जब तक फिक्स ना हो कि ये किलोमीटर के हिसाब से रेट होगा, किलोमीटर जहां पर जो शहर जहां की गाड़ी भरती हो किलोमीटर के हिसाब से रेट हो, उस हिसाब से गाड़ी वाले को भाड़ा मिले, ऐसा जब तक नहीं सरकार की तरफ बनेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट के ऊपर में छोड़ा गया, एक तरफ से 900 रुपए टन में गाड़ी आती है, दूसरी तरफ से उसी जगह की गाड़ी दूसरे स्टेट से 2000 रुपए टन की जाती है, तो इतना फर्क क्यों? एक तरफ से एक स्टेट की 900 रुपए टन और दूसरे स्टेट की 2000 रुपए टन, ऐसा फर्क क्यों मार्केट के हिसाब से? क्यों? क्योंकि गाड़ियां इतनी ज्यादा हो गई है सर कि मार्केट में अगर 10 गाड़ी का लोड हो रहा है तो 50 गाड़ी खड़ी है, तो उसमें रेट बढ़ना ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं आएगी कि जैसे सरकारी टेंडरों में चलता है उनका कि 20 रुपए, 25 रुपए, 22 रुपए किलोमीटर का रेट होगा, तो कोई भी गाड़ी वाला कोई भी हायर करता है उसको पता है कि स्टेशन का 20 रुपए, 22 रुपए किलोमीटर के हिसाब से रेट है, उस हिसाब से उसको भाड़ा मिले तो भी एक बार क्या कहते हैं समझा जा सकता है, गाड़ी वालों को राहत मिलेगी। और दूसरा सर एक चीज मैं गवर्नमेंट से ये चाहूंगा कि या तो ये टोल टैक्स जो वसूल रहे हैं इसका पैसा जो है बढ़ा ले नेशनल परमिट में, नेशनल परमिट में बढ़ा करके ले ले, और या तो जो रोड टैक्स करके भी हमसे पैसा वसूल रहे हैं वो एक खत्म कर दें, तो उससे भी काफी गाड़ी वाले को राहत मिल जाएगी। और दूसरा यदि बॉर्डर की एंट्री ये बंद करवा दें, उसकी जगह गवर्नमेंट एक 500 रुपए की पर्ची गवर्नमेंट के अकाउंट की फाड़े अगर हर महीने, तो हम ये समझेंगे कि वो पैसा गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है, उससे हमारे गवर्नमेंट में क्या कहते हैं अच्छे से संसाधन बढ़ेंगे। लेकिन ये पैसा तो जो सफेदपोश राजनीतिक लोग और अफसर लोग मिल करके एक सिंडिकेट बना के जो महीनों का अरबों रुपए एक एक बॉर्डर से क्या कहते हैं वसूल रहे हैं अपना साल का, आप समझ लीजिए ये बहुत बड़ा करप्शन बंद होना चाहिए। इस पर कोई भी सरकार, कोई भी सेंट्रल परिवहन मंत्री कुछ भी कोई करने को तैयार नहीं है। जब तक ये बंद नहीं होगा गाड़ी वाले को कोई राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आज बॉर्डरों पे चक्के के हिसाब से पैसा लिया जा रहा है, मिनिमम 500 रुपए से लेकर के ट्रेलर तक के 3000 रुपए पर ट्रिप, यानी आने जाने में उनको 6000, छोटी गाड़ी है तो आने जाने में 1000, इस तरह से लूट हो रही है। और ना दो तो प्राइवेट गुंडे हैं उनसे ड्राइवर पिटे, मोटर मालिक जाए वो पिटे, यूनियन वाले जाएंगे एक दिन कुछ नहीं बोलेंगे, और यूनियन वाले रोज रोज तो जा नहीं सकते सर, तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये दुर्दशा हो रही है और आए दिन होती रहेगी। अच्छा दूसरा सर एक और आपकी निगाह में ये बात लाना चाहेंगे कि आज चाहे वो टाटा कंपनी हो, महिंद्रा कंपनी हो, अशोक लीलैंड कंपनी हो, इतनी बड़ी बड़ी ये इंडस्ट्रीज हैं, ये लोग इन पार्टियों को डोनेशन चंदा देते हैं, लेकिन आज तक सर ये गाड़ी बेच के बैंक वालों के थ्रू अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, कभी रोड पे सर्वे नहीं करते कि गाड़ी वाला हमसे लेता है गाड़ी तो बैंक से तो मुझे मिल जाता है, लेकिन गाड़ी वाला किस तरीके से परेशान होता है, बॉर्डर आरटीओ लूट रहा है, सरकार लूट रही है, और किस तरीके से उनकी कोई सुनवाई नहीं रही। मेरी तो अब लोगों से भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि नई गाड़ी खरीदना बंद करो, जब तक नई गाड़ी आप बंद नहीं करोगे, गवर्नमेंट को एक्साइज का नुकसान नहीं करोगे, उनके आरटीओ में पासिंग नहीं होंगी गाड़ियां, जब तक रेवेन्यू को सरकार का लॉस नहीं होगा, ये सरकार सुनने वाली नहीं है, ऐसी बहरी बनी रहेगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने जो जिस अंदाज में जो बात किया है वो आपके दिल में जो बात है बहुत ही आपने बेहतरीन तरीके से की है कि सरकार यकीनन इस बात के और गौर फरमाए, क्योंकि सुनील पांडे साहब आप जब बात कर रहे थे तो आप दिल से बात कर रहे थे, आप उन तमाम जो बातें थी उनको ध्यान में रखते हुए बात कर रहे थे कि इतनी पीड़ा, इतनी समस्या, इतनी तकलीफ देह जिस प्रकार से ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को हो रही है वो शायद ही किसी और क्षेत्र या किसी इंडस्ट्री को हो रही हो, मगर हो ना हो आज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को जिस कगार पे लाके खड़ा किया है उसके लिए कौन दोषी है, इस विषय के ऊपर में हम जरूर आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं गुरप्रीत सिंह साहब मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि सुनील भाई पांडे जी ने जो बात कही है आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आपको भी 15 वर्षों का तजुर्बा है इस विषय को लेके, कई चेक पोस्ट आपने देखा है, कई आरटीओ के अधिकारी आपने देखा है, कई गुंडे भी आपने देखा है, आपका कोई अनुभव है तो हमारे साथ इसको शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा, बताइएगा क्या कहना चाहोगे गुरप्रीत सिंह साहब। सर ये वीडियो चल नहीं रहा है इसमें, हेलो तो नहीं चल रहा है, ठीक है सर आप बताइए सुनील पांडे साहब आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की परेशानियों का सामना आए दिन ट्रक मालिकों को और ड्राइवरों को करना पड़ता है। सर मैं बॉर्डर पर स्वयं गया हूँ, खवासा पर भी गया हूँ, और भी अपना ये छत्तीसगढ़ वाले बॉर्डर पर भी गया हूँ, रीवा पर अपना चाक घाट बॉर्डर पर गया हूँ, श्रीनगर बॉर्डर पर गया हूँ, कई बॉर्डरों पर गया हूँ सर, वहां पर मैंने ये देखा है
कि आप समझ लीजिए सर, जो अभी ये गाड़ी अपना नेशनल हाईवे के जो रोड अपने बन गए हैं, जो कंप्यूटराइज कांटे हैं, तो कांटे पर गाड़ी जाने के बाद में उस गाड़ी के पेपर चेक होते हैं, उसके बाद में वेट चेक होता है, फिर वहां से वो स्लिप देते हैं। तो कांटे पर अगर गाड़ी ओके है, पेपर ओके है, तब हमारी गाड़ी को सीधे निकलना चाहिए, आरटीओ की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन वहां पर आरटीओ बैठे हुए हैं बगैर उनके पास फाइल दिखाए, वो फाइल रख लेंगे, अगर 1500 नहीं देखो तो खड़े रहो। बिल्कुल सुनील पांडे साहब, सुनील पांडे जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि फिर से एक बार हमारे साथ में गुरप्रीत सिंह साहब जुड़ चुके हैं। गुरप्रीत सिंह साहब हाँ जी बिल्कुल। मेरा ये सवाल आपके लिए था कि पिछले 15 वर्षों का आपको काफी अच्छा तजुर्बा है, आप बताइए कि जहाँ आप कई आपने जब ड्राइविंग किया है तो चेक पोस्ट, कई आरटीओ के लोग, कई अधिकारी, कई गुंडे लोग, आप सबसे उनसे सामना किए हो, क्या कहना चाहोगे, आपका क्या अनुभव रहा है? सर चेक पोस्ट पे जो है उनका काम होता है कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चेक करना जी। लेकिन मोस्टली जो चेक पोस्ट है वहाँ पे एंट्री वसूली जाती है जो कि गैर कानूनी है, और ड्राइवर जो चेक पोस्ट पे जाता है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इवन मैं खुद गया हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे गुंडे उन्होंने रखे हुए होते हैं चेक पोस्ट पे। अगर वो ड्राइवर उनको पैसा नहीं देगा तो उनके साथ में वो बदमाशी करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको मतलब कि एक बार बॉर्डर से चेक पोस्ट से गाड़ी क्रॉस होती है तो 500 से लेकर 2000 रुपए तक का खर्चा एक बार में आता है। तो महीने में कम से कम 7-8 बार एक ही चेक पोस्ट से गाड़ी क्रॉस होती है, तो इस हिसाब से काफी पैसा जो है ट्रक का चेक पोस्ट पे बिना मतलब का दिया जाता है, जो कि करप्शन है और उसका कोई वैलिड रीजन नहीं है, सिर्फ पेपर चेक करने की उनकी अथॉरिटी होती है और वो गैर कानूनी तरीके से ट्रकर से बहुत पैसा लूटते हैं। तो वो भी अभी सर जैसे काफी चेक पोस्ट बंद हो गए थे बीच में, अभी दोबारा से चेक पोस्ट चालू हो रहे हैं, तो ये लूट का सिलसिला जो है ऐसे ही जारी रहेगा, तो इनके ऊपर कोई मतलब इनका कोई पूछने वाला नहीं है। चेक पोस्ट पे लूट जो है लगातार कई सालों से जारी है, ये भी एक बहुत बड़ा बर्डन है ट्रकर्स के ऊपर में, काफी पैसा जो है हमारा इन चेक पोस्ट के ऊपर में जाता है। ये भी अगर हमारा अगर कुछ यहाँ इनके ऊपर में कुछ एक्शन लिया जाए तो काफी हमारा सेविंग्स इनके जरिए भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने आपका अनुभव शेयर किया कि देखिए किस तरह से हमारे ट्रक भाइयों को, जो ड्राइवर लोग होते हैं, चाहे मालिक हो या ट्रक से जुड़े हुए जो जो लोग हैं, उन लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चेक पोस्ट पर किस तरह से लूट की जाती है, और सरकार है कि आंखें मूंद कर बैठ हुई है। क्या सरकार आखिरकार क्यों गांधारी बन के ये कामकाज कर रही है, सरकार क्यों आंखों की पट्टी नहीं निकाल रही है, क्यों इन लोगों को न्याय नहीं दे रही है, जबकि टाटा बिरला और अन्य लोगों के जो नाम गिनाए उन लोग कई फंडिंग पार्टियों को देते हैं, उसके बावजूद ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आज पूरी तरह से कोलैप्स होने के कगार पे है, थोड़ी बहुत बची है, आखिर के सांसें गिन रही है, सरकार का ध्यान नहीं है। सुनील पांडे साहब, आप भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपोर्ट आघाड़ी के जिला उपाध्यक्ष हो, पार्टी से जुड़े हुए हो, इतना ही नहीं तो 2014 में भाजपा ने ट्रांसपोर्ट आघाड़ी की जो स्थापना की थी, क्या कहना चाहोगे, जो स्थापना की थी वो किन उद्देश्य को लेके की गई थी, और क्या आपकी समस्या हल हो चुकी है, या क्या कहना चाहोगे, क्योंकि मंत्री आपके, पार्टी आपकी, पार्टी के जो काम करने वाले वे भी आपके, और ऐसे में आपके साथ न्याय हुआ है, क्या समस्या का हल हुआ है, आपको क्या, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, सुनील पांडे साहब विस्तार। सर इस बारे में अपन न्याय करना आपको ये बताना चाहते हैं कि इसी चीज का हम लोगों को बहुत तकलीफ है कि सर जिस उद्देश्य के लिए ये आघाड़ी बनाई गई थी नितिन गडकरी जी के द्वारा, और लेकिन उसका कुछ भी उद्देश्य, हम लोगों ने लाखों लोगों को जोड़ा भाजपा पार्टी से और अपनी समस्याओं को उन तक ले गए, और कि ये समस्याएं हमको इस जगह परेशानी हो रही है, सामने बात करने पर तो माननीय नितिन गडकरी बोलते हैं कि वो लोग सब डकैत हैं, चोर हैं, ऐसा कर रहे हैं, मैं सीबीआई इंक्वायरी कराऊंगा, ये है जो भी कहेंगे, लेकिन उसके बाद सर साल के साल निकलते जाते हैं, उसके बाद सर इस पे क्या कहते हैं, जैसे आपने भी बताया कि वो गंधारी की तरह आंख की पट्टी बांध के लोग बैठे हैं, कारण क्या है, हर स्टेट में जिसकी सरकार है वो लूट रहे हैं और उससे सभी पार्टियों का हित जुड़ा हुआ है। मैं इवन सर एसपी से लेकर के कमिश्नर से लेकर के आरटीआई सबसे, सांसद विधायक सबसे मिला,
बहुत इस परिवहन से संबंधित लोगों का ना, साहब आपके पास कितनी गाड़ी है, 20-25-50 गाड़ी जो है उतनी गाड़ी का आप मेरे को लिस्ट दे दो, आपकी गाड़ी से नहीं लगेगा, बाकी सब लोगों का लगेगा। सीधे साहब बोलते हैं, कहते हैं इस मैटर में मत पड़िए, ये बंद नहीं हो सकता। उसका कारण से इतना बड़ा सिंडिकेट, मैं बता रहा हूं आपको कि आरटीआई बोलता है कि थाने से लेकर के सांसद को लेकर के विधायक को लेकर के और समझ लीजिए कहां कहां तक ये पैसा नहीं जाता है। इसलिए आपको जहां शिकायत करना है, आपकी सरकार है आपकी, कहीं भी जाकर हमारी शिकायत कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग थक हार के अब सर क्या कहते हैं, ये सोच लिए कि इस धंधे में ये चीज बंद होने वाली नहीं दिख रही है। अब आप ये समझ लिए कि स्टेट गवर्नमेंट में चलो ठीक है अपना, ठीक है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नेशनल हाईवे हैं उस पर तो खत्म होना चाहिए। उस पर भी क्या कहते हैं नितिन गडकरी साहब, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल कोरे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। आप जाइए वहां पर अपनी बात रखिए, चुपचाप चले जाइए, वो कोई भी पार्टी हो, इतना बड़ा सिंडिकेट है सर कि इसमें कोई सुनवाई किसी की होनी नहीं है, क्योंकि सबके हित बंधे हुए हैं इसमें, सभी के हित बंधे हुए हैं सर। मैंने ये चीज जा जा करके मिल के ये देखा है कि सभी के हित बंधे हुए हैं, इसलिए इसको सर खत्म करने का कोई प्रयास करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल कोई प्रयास करने के लिए तैयार नहीं है, और परिवहन मंत्री जी की जो काम की मंशा है वो भी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे सुनील पांडे साहब इनका ये कहना गिरा है। गुरप्रीत सिंह साहब आप क्या कहना चाहोगे, क्या आप समझते हो किस प्रकार का कामकाज हो रहा है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है? सर कई सालों से देख रहा हूँ कि जब डीजल के रेट बढ़ते हैं या कोई नया टैक्स जो है ट्रक वालों के ऊपर थोप दिया जाता है, जब उनके ऊपर और बर्डन बढ़ता है कोई भी टैक्स, जब उसका तब जो है हाई कमांड में बैठे हुए जो लीडर है उनका आर्डर आता है कि हड़ताल कर दीजिए, फिर वो स्ट्राइक हो जाती है। स्ट्राइक होने के बाद में जो सर हम ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, हमें पता है कि आज तक तो फिलहाल कुछ मिला नहीं है, कोई समस्या का हल नहीं हुआ है, कोई डीजल रेट कम नहीं हुआ है, कोई टोल टैक्स कम नहीं हुआ, और उल्टा बढ़ा ही है, बर्डन बढ़ता ही है। स्ट्राइक होने के बावजूद कभी कोई फायदा नहीं हुआ है, और फायदा शायद होता होगा जो हाईकमान में बैठे होते होंगे जिनके ऑर्डर ऊपर से चलते हैं कि हाँ भाई आप स्ट्राइक खोल दीजिए, आप बंद कर दीजिए, शायद उनको फायदा होता होगा, लेकिन हमको ग्राउंड लेवल पे आज तक कोई भी फायदा नहीं हुआ है। जो पहले भी जो सरकारें थी और अभी भी सरकारें सरकार है, जितना मर्जी आप दीजिए इनके आगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतना एक्सपीरियंस है सर कि बस अब ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए कि कुछ या तो अपने ट्रांसपोर्टर्स के जो है बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर से लोग कुछ बैठ के कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि किलोमीटर के हिसाब से कुछ फ्लाइट को फिक्स किया जाए, तब कहीं जाके ऐसा लगेगा कि चलो मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम जो है फिक्स है। लेकिन ऐसी कंपटीशन का मार्केट है कि आपस में कोई वैसी साथ में बैठने के लिए राजी ही नहीं है, मैं मेरा चलता रहे और मैं दूसरा कोई ना चले, मार्केट भी कंपटीशन है और सरकार की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं है, तो सर सर्वाइवल का बहुत मुश्किल हो गया है ट्रांसपोर्ट महकमे का, तो ये तो बर्बादी की तरफ ही बढ़ रहा है। अब तो देखिए आगे क्या होता है इसका हाल, जो हिसाब से डीजल के रेट बढ़ गए हैं सर, अभी तो सर्वाइवल का मुश्किल हो गया है कि अपना किस्त और परमिट टैक्स तो भरना मतलब मुश्किल हो गया है। अब तो अपना घर परिवार चलाना ही लग रहा है कि अगर हमने घर परिवार अपना रोजी रोटी चला लिए तो वो ही बहुत बड़ा काम कर लिया, इंस्टॉलमेंट और टैक्स परमिट भरना तो नामुमकिन है आज की डेट में, जो अभी फ्राइट रेट और जो डीजल के प्राइस चल रहे हैं इस माहौल में। बिल्कुल, बहुत बहुत आपने अच्छी जानकारी दिया है कि आज आपका ये कहना है कि आप अपने परिवार का गुजर बसर कैसा करें, ये सवाल आप में बना हुआ है, बाकी के कामकाज तो और अलग ही है, मगर आज अपने परिवार का आप पेट नहीं भर सकते हैं, उन्हें ढंग का खाना नहीं दे सकते हैं, दो समय की रोटी का जुगाड़ नहीं कर सकते हैं, ऐसे लाखों लाखों ट्रक भाई लोग हैं जो ये कामकाज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बेबस है, ऐसी व्यवस्था उनमें आने के लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है, प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। क्या कहना चाहोगे सुनील जी, संक्षेप में बताइए आपके हिसाब से इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार कौन है, क्योंकि हरप्रीत सिंह साहब, गुरप्रीत सिंह साहब ने जिस प्रकार से बोला कि जो हमारे जो इंडस्ट्री के जो संस्थाएं जो होती है अलग अलग होती है, सब मिलके एक मंच पे आके क्यों नहीं आखिरकार अपने न्याय के लिए आगे आती है, क्यों नहीं कामकाज करती है, आखिर में ये अलग अलग तरीके से क्यों लड़ना चाहती है, ये एक बात है।
और इनकी जो इन्होंने जो बोला कि जो लचर हालत हुई है, बेबस विवशता जो बढ़ रही है कि परिवार का गुजर बसर नहीं कर सकते हैं, ये सही में दिल को दहला देने वाली बात उन्होंने कही है। पांडे साहब आपकी क्या कहें, आपका क्या कहना है? नहीं बिल्कुल सही है सर। क्या है कि इसमें ट्रांसपोर्ट इतनी ज्यादा यूनियन भी हो गई है सर, क्या है सब कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी से सर वो बंधे हुए हैं, और जिस पार्टी की सरकार रहती है उसमें उनको कुछ लोगों को जो बड़े लोग हैं इसमें उनको कुछ न कुछ वहां से सहूलियत मिल जाती है, जिसकी वजह से कभी स्ट्राइक भी होती है तो सर उसमें जो भी मांगे रखी जाती हैं वो कोई मानी ही नहीं जाती हैं और स्ट्राइक वापस हो जाती है। तो इसमें मरना किसको रहता है, जो छोटे एक दो गाड़ी वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े फ्लीट ओनर हैं, बड़े बड़े यूनियन से संबंधित लोग हैं, वो अपने क्या कहते हैं जो दिल्ली से अटैच हैं वो लोग अपने अपने तरीके से बेनिफिट सरकार से लेकर के स्ट्राइक खत्म कर देते हैं, इसलिए कि स्ट्राइक करके भी कोई फायदा होने वाला है नहीं, और सरकार ये है कि वो मानती नहीं है। अब उसमें सर मेरी समझ में आरटीओ वाली जो प्रॉब्लम है उसका एक ही तरीका मेरी जो समझ में आता है सर, कि बॉर्डर पे जो भी गाड़ी जाए मोटर मालिक की तरफ से ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन हो कि आप जाओगे आपके पेपर ओके रहेंगे, अंडरलोड माल रहेगा, आपसे जब पैसा आरटीओ मांगता है फाइल रख लेता है, गाड़ी चुपचाप वहीं खड़ी रहने दो, साइड में हो जाओ, इस तरह जो भी गाड़ियां आती जाए वो खड़ी होती जाए। मेरी समझ में एक घंटा बॉर्डर पे इतना तगड़ा सर जाम लग जाएगा कि उनको हर हाल में बिना पैसा लिए खोलना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि इसके लिए मोटर वाला भी कहीं ना कहीं दोषी है, क्या है मेरे टाइम ना खराब हो जल्दी से 500,000 रुपए दे निकलो मालिक बोला है, समझे कि नहीं। तो ये जो ना लड़ने की प्रवृत्ति है और अपना टाइम बचाना है भले पैसा ना बचे और सब जगह बांटते जाओ, तो ये कमजोरी जो है ये मोटर वालों के लिए और तकलीफदायक हो रही है। तो जब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक इसमें जो है बिना लड़े सरकार ने सुनना है नहीं सर। चल मैं एक आखिरी का सवाल आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ पांडे साहब कि जिस प्रकार से आपने कहा था कि 2014 में भाजपा ने ट्रांसपोर्ट आघाड़ी की जो स्थापना की थी और आप भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपोर्ट आघाड़ी के जिला उपाध्यक्ष हो, यदि भाजपा की ओर से अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है, परिवहन मंत्री की ओर से आपको न्याय नहीं मिल रहा है, ये आपने बार बार इस बात को दोहराया है, तो ऐसे में फिर आप ट्रांसपोर्ट भाजपा की जो ट्रांसपोर्ट आघाड़ी के जिला उपाध्यक्ष हो क्या उससे रिजाइन देने वाले हो क्या, उससे अलग होने वाले हो? बिल्कुल सर, अभी धीरे धीरे सभी लोग क्या कहते हैं उससे दूर हो रहे हैं, और अभी तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट फ्रेंड्स एसोसिएशन जो है उसी से जुड़ के अपन क्या कहते हैं सब जगह काम कर रहे हैं, और यही स्थिति रही तो भाजपा में कौन जुड़ कर रहेगा। आज जो है क्या कहते हैं हमारे जिससे हमारी जीविका चलनी है, जिससे हमारी आजीविका चलनी है, हमारा रोजी रोटी चलनी है, उस व्यापार पे कोई ध्यान ना दे करके हम लोगों को रोड पे लाने का काम कर रहे हैं तो भाजपा में कौन जुड़ कर रहेगा, सभी को छोड़ना पड़ेगा, और सभी छोड़ भी रहे हैं सर, इसलिए हम लोग भी उतना एक्टिव नहीं रह गए हैं। नाम नाम का है वो भी अभी क्या कहते हैं हम लोग भी रिजाइन दे करके क्या कहते हैं स्वतंत्र होना चाहते हैं, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं है तो सरकार का ढोल बजा के मतलब क्या है। बिल्कुल, जब सुनवाई नहीं तो सरकार का ढोल बजाने में मतलब क्या है, ये काफी अच्छी जानकारी यहाँ पे सुनील पांडे जी इन्होंने दिया है। और उनका ये भी कहना है कि यदि भारतीय जनता पर ट्रांसपोर्ट आघाड़ी के वे भले ही जिला उपाध्यक्ष हो लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी इस ओर ध्यान नहीं देगी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का जीवन संवर्धन अच्छा हो इसलिए कामकाज नहीं करेगी, तो वे भी अपने उपाध्यक्ष पद का रिजाइन यानी वो पद मुक्त होना चाहते हैं, उसको उस जो वहां पे जो है वो अपने पद का त्याग करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार यदि इनके कामकाज नहीं आती है तो ऐसे सरकार में रहने का फायदा ही क्या, ऐसा उनका मानना है। लेकिन पांडे साहब आपको नहीं लगता कांग्रेस के जमाने में क्या हो रहा था, कांग्रेस लूट तो हुआ था? लूट तो सर, लूट तो कांग्रेस उसका कारण सर, तो ये बीमारी लगी है केवल एमपी से शुरुआत हुई है, तो एमपी में उसके बाद छत्तीसगढ़ में ना छत्तीसगढ़ में लग गई, और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आ गई तो राजस्थान में चालू हो गया, तो ये कांग्रेस कभी भाजपा आएगी कभी कांग्रेस आएगी, तो इतनी तगड़ी सेटिंग है ये सिंडिकेट की, ब्यूरोक्रेट्स की और नेताओं की, जो सारे लोगों को मैनेज कर लेते हैं, तो इसलिए वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की हो, 15 साल वो लूटते, फिर 10-15 साल अपना शिवराज सिंह के चौहान के उसमें लुटाई हुई, और चौहान शिवराज चौहान सिंह जी के बारे में तो सर वहां के आरटीआई सतना के पेपर में भी निकला, न्यूज में आया कि मैंने अरबों रुपए शिवराज सिंह जी को आरटीओ की वसूली के दिए हैं पैसे, लेकिन क्या होगा भाई जो सीएम है खुद का क्या कार्रवाई होनी है, कुछ भी कार्रवाई नहीं होनी है, तो ये सभी को पता है कि क्या कहते हैं जो वसूली जा रही है ऊपर तक जाती है, इसीलिए सुनवाई नहीं, आरटीआई बोलता है मेरे बस की बात थोड़ी है कि मैं पैसा सब रख लेता हूँ, ये सर ऊपर तक पूरे पैसा लेते हैं, आपकी सरकार है आप लोग बंद कराइए ना, अब वहां पर निरुत्तर पड़ जाना होता है क्यों,
क्योंकि साहब क्या सीधे सही कह रहा है कि उसकी तो हिम्मत है नहीं कि आरटीआई क्या कहते हैं मैं एक एक बॉर्डर से 8-8 करोड़ रुपए के पैसा वो हजम कर जाएगा। इसका मतलब ये पूरे प्रशासन के साथ में मिलकर मिली भगत हो रही है। बिल्कुल 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 सुनील साहब आपने भी अच्छी जानकारी दी। बातों में आपने ये भी कह दिया है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो एक ही सिक्के के दो पहलू है और दोनों का कामकाज एक जैसा ही है, लूट करना और एक्सप्लॉयटेशन करना। यही उनका ट्रक इंडस्ट्री के लिए कामकाज था और आगे भी है क्योंकि ये दोनों पार्टियों को लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। ना कांग्रेस ने अब तक के इस लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए कोई ऐसा जबरदस्त ऐसा कोई काम किया है और ना भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी इस प्रकार का कोई कामकाज होते हुए नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ये अब पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। 25% बची हुई है, आखिरी की सांसें गिन रही है, ऐसे हमारे मेहमानों का कहना है। मैं दोनों मेरे मेहमानों को देखिए पांडे साहब और गुरुप्रीत सिंह साहब आखिरी के सेगमेंट में इस प्रोग्राम के आपको दोनों को दो दो मिनट दिया जाएगा। 2 मिनट का समय है। यदि सरकार के नुमाइंदों को या सरकार के मंत्रियों को या फिर इस देश की जनता को कुछ आप बात कहना चाहते हो, कुछ आपके सुझाव है तो आप दोनों इस मंच के माध्यम से दे सकते हो। मैं सबसे पहले रुख करना चाहूंगा गुरप्रीत सिंह साहब आपके पास। आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है। यदि आपके सरकार के लिए कोई सुझाव है तो वो क्या है, आपका समय शुरू होता है अब। गुरप्रीत सिंह साहब सर मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि जैसे जो टोल टैक्स वसूले जाते हैं रोड पे, जैसे कि सरकार ने अभी प्रस्ताव लाया था कि जब वो गाड़ी का वेट का जो है फिक्स कर सकते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से जो है उसका सभी ट्रकर्स का वेट जो है पासिंग का वेट जो है इंक्रीज कर दिया था, तो वो जब वो हर चीज में इंटरफेयर कर सकते हैं तो जो टोल टैक्स वसूले जाते हैं वो एक ही बार में वन शॉट में क्यों नहीं ले लेते, तो जो टोल टैक्स है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाए और जो रास्ते में जो अनसन जो लूट मची है जो किसी भी रेट से टोल टैक्स वाले वसूलते हैं वो गलत है, उसमें जो है भ्रष्टाचार होता है। एक ही बार वन टाइम टोल टैक्स लेना चाहिए, वो डायरेक्ट जैसे 1 साल का परमिट बनता है नेशनल परमिट उसी हिसाब से टोल टैक्स भी वसूल देना चाहिए। और जो ये रोड टैक्स है क्वार्टर टैक्स जो है, हेलो जी 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 फरमाइए। हाँ जी सर कहिए कहिए गुरुप्रीत साहब। बात कीजिए गुरुप्रीत सिंह साहब, आपकी आवाज आ रही है, कहिए। खैर हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे मेहमान की ओर। सुनील पांडे साहब आपको भी 2 मिनट का समय दिया जाता है, क्या कहना चाहोगे सरकार से, क्या कोई सुझाव है आपके पास, आपका समय शुरू होता है। आप 2 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको। मेरा भारत सरकार से यह आग्रह है कि इस मोटर लाइन को जिंदा रखने के लिए जिससे करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं और हर प्रकार के टैक्स देकर एडवांस टैक्स दे करके अपनी गाड़ियों को चलाते हैं, उनके रोजी रोटी और परिवार के बारे में भी सोचें और डीजल को जीएसटी के अंदर मिलाएं जिससे एक कम रेट रहे, 1% तय करके जिसमें सेंट्रल और राज्य का डिवाइड हो कि 30% दोनों का टैक्स रख लें जिससे हमारा डीजल कम हो जाएगा, भाव एक रेट में रहेगा। और दूसरा मेरा ये कहना है कि जो हमसे रोड टैक्स का पैसा लिया जा रहा है उस रोड टैक्स को ना ले करके आप जो हमसे पैसा टोल टैक्स ले रहे हो वही लो या एक ही टैक्स लो, दो तरह के एक ही प्रकार के टैक्स हमसे ना लिया जाए। यदि आपको टोल टैक्स में पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं है रोड बनाने का तो आप हमसे 1 टाइम टैक्स जिस प्रकार आप कार वगैरह में लेते हैं उसी प्रकार रोड टैक्स का पैसा मिला करके हमसे आप 1 टाइम टैक्स ले लीजिए, आप वो 2 बार में ले लीजिए, उससे गवर्नमेंट के पास इतना पैसा रहेगा कि वो रोड अपना बना सकती है। और सबसे ज्यादा हमको कि बॉर्डर पे जो क्या कहते हैं ये बॉर्डर टोटल खत्म आरटीओ के होने चाहिए। आज सिस्टम है गवर्नमेंट के पास, जो भी गाड़ियां चल रही हैं सारी की सबकी पासिंग हो रही है, बराबर टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये किसी प्रकार से लुटेरे आरटीओ बॉर्डर हमको नहीं चाहिए। ये लुटेरे आरटीओ बॉर्डर टोटल खत्म होने चाहिए। जब तक ऐसा नहीं लाएंगे कोई सिस्टम तब तक ये मोटर वाले क्या कहते हैं वो बच नहीं पाएंगे और ये मोटर इंडस्ट्री जो है वो धरातल में गिरती ही ऐसी जाएगी। और इस पर जब तक कोई इस तरह के सरकार नियम नहीं कानून लाएगी तब तक ट्रांसपोर्ट मोटर वाला गाड़ी वाला सब परेशान रहेंगे।
और इस मोटर के लिए सरकार के पास कोई फंड नहीं कि वो किसी प्रकार से मदद कर सके। अभी जो ये लॉकडाउन पीरियड में, कोरोना पीरियड में जो उन्होंने 5-6 महीने की बैंकों को कहा है कि आप पैसा ना लीजिए, किस्त बढ़ा दीजिए आगे के लिए, उसमें भी इन्होंने ये नहीं कहा है कि उसका टैक्स इंटरेस्ट आप माफ करिए। वो इंटरेस्ट जोड़ करके जब वो गाड़ी 3-4 साल में फ्री होगी तो 1-1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट का और गाड़ी वाले को भरना पड़ेगा। तो हर चीज के लिए इनके पास सबके लिए सहूलत है, लेकिन इस मोटर डिपार्टमेंट के लिए इनके पास में कोई, इस गवर्नमेंट के पास में खजाने में पैसा नहीं है, वो सिर्फ इसको बर्बाद करने पर लगी हुई है। हमारा यही सरकार से है सुझाव कि इस चीजों पर ध्यान दे, जिससे कम से कम बेहतर से आज इस धंधे में एक एक गाड़ी के पीछे कम से कम 15-20 लोगों का परिवार पलता है, कम से कम उस पर ध्यान देते हुए इस पे न्याय करें और इन चीजों पर ध्यान दें, जिससे कि मोटर वाला जो है सहूलियत से अपनी गाड़ी चला सके और करप्शन से और भ्रष्टाचार से बच सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आप दोनों मेहमानों ने दी है। जैसे गुरप्रीत सिंह साहब ने ये कहा है कि टोल टैक्स जो वसूले जाते हैं उसके ऊपर भी पूरी तरह से रोकथाम होना चाहिए। टोल टैक्स जिसका डायरेक्ट जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट को जाना चाहिए और एक ही टोल टैक्स लेना चाहिए, क्योंकि बार बार जो टोल टैक्स अलग अलग कारणों से जो लिया जाता है वो लेना कहीं भी मुनासिब नहीं है। वो पूरी तरह से डकैती जैसा कामकाज हो रहा है, ऐसा उनका मानना है। तो वही हमारे दर्शकों, हमारे दूसरे जो मेहमान सुनील पांडे साहब नागपुर से जो जुड़ चुके थे, उनका जब हमने उनको 2 मिनट का समय दिया और सरकार से क्या कहना चाहूंगी, कोई सुझाव है क्या, जब हमने कहा तो उन्होंने ये कहा कि मोटर लाइसेंस, मोटर लाइन को जिंदा रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि रोजी रोटी उन परिवारों के होती है, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर मोटर लाइन बंद होगी तो परिवार में भूखे मरने की नौबत आएगी। और डीजल के भाव कम करें, सबसे अच्छी बात उन्होंने कि डीजल के भाव कम करें, और वन टाइम टैक्स लेना चाहिए, मगर वन टाइम टैक्स ही लीजिए, ऐसा उनका कहना है, ताकि गवर्नमेंट को जो डेवलपमेंट जो करना है, जैसे सड़क को बनाना है, कोई रास्ते बनाना है, तो वो यकीनन बना सकते हैं। और आरटीओ बॉर्डर पे जो लुटेरे जो होते हैं उनका बंदोबस्त करें। जी हाँ, आरटीओ बॉर्डर के ऊपर में जो लुटेरे हैं उनके ऊपर पूरी तरह से अंकुश लगाना बेहद जरूरी है, ऐसा सुनील पांडे साहब ने कहा है। और मोटर इंडस्ट्री को यदि जिंदा रखना है, जिंदा रखना होगा ही, रखना ही नहीं जिंदा ही रखना होगा, क्योंकि मोटर इंडस्ट्री ये इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और जहां जहां रीढ़ की हड्डी टूटी है, कमजोर हुई है, वहां वहां पे वो देश कभी भी तरक्की, विकास की ओर कतई नहीं बढ़ा है। और ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, ये महज इतिहास में जैसी बातें अभी हो रही है ऐसी बातें लॉजिस्टिक इंडस्ट्री या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को लेके भी हो सकती है, क्योंकि 15-15-20 परिवार जो पलते हैं इस इंडस्ट्री के, इसका कारोबार के माध्यम से, आज लोगों पे भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। लॉकडाउन के चलते वैसे ही लोग भूखे मरे हैं, और जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उनका भी अच्छे से कामकाज नहीं हो रहा है। सरकार का जो काम करने का जो तरीका है वो पूरी तरह से गलत है। सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया जाए, किस प्रकार से ट्रक के मालिकों को चूसा जाए और ड्राइवर को किस तरह से प्रताड़ित किया जाए अलग अलग कारणों से, यही कामकाज कई अधिकारी, कई प्राइवेट गुंडे कर रहे हैं। मगर अफसोस कि सरकार को ये तमाम बातें जानकारी है, लेकिन सरकार भी आंखें मूंद कर बैठी है। आखिर क्यों मूंद कर बैठी है ये तो वही जाने, मगर एक बात है कि आने वाले दिनों में यदि इन लोगों का ऐसे ही होता रहा, वो दिन दूर नहीं कि लॉजिस्टिक इंडस्ट्री जो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कोलैप्स होने के कगार पे नहीं, पूरी तरह से कोलैप्स होगी। और जब ये इंडस्ट्री कोलैप्स होगी तो यकीनन भारत देश की इकोनॉमिकली जो सिस्टम है पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। अगर जहां चौपट की बात है तो वहां हमने कुछ भी पाया नहीं, सिर्फ हमने चंद पैसे के लालच में अपने देश को पूरी तरह से बर्बाद किया। यही आज के इस बातों से ये बातें निकल के सामने में आ रही है दर्शकों। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इस कार्यक्रम में आप गौर से इन तमाम कार्यक्रम को अच्छे से देख भी रहे, सुन भी रहे थे। हमारे दोनों मेहमान
नागपुर से सुनील पांडे साहब और नागपुर से गुरप्रीत सिंह साहब, इन्होंने बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आप अपनी बातों को शेयर किया और ये बताया कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री किस दिशा में कैसे जा रही है, इसके ऊपर सरकार अमल करे, क्योंकि सरकार माँ बाप है और जब तक माँ बाप इन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देगी तो माँ बाप जब बूढ़े होंगे तो बच्चे भी ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि माँ बाप को भी फिर वृद्धाश्रम में डालना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत जिस तरह से इनके बदौलत जो कामकाज कर रही है, अगर इन्हें भी इनके तरफ ध्यान नहीं दिया तो भारत की वो हालत होगी जो वृद्धाश्रम में बैठे माता पिता की होती है। इस ओर सरकार ध्यान दे और अपने बच्चों का जीवन संवर्धन करे और इसी ट्रक इंडस्ट्री को जिंदा रखे, वो जिंदा रहेंगे तो पूरा देश मजबूत होगा, पूरा देश मजबूत होगा तो पूरा विश्व में भारत का परचम लहराएगा, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का परचम लहराएगा, बशर्ते सरकार ने काम करना होगा, करना होगा, करना होगा। तो दर्शकों, इसके साथ आज का यह कार्यक्रम यही संपन्न हुआ। अगली बार किसी विषय को लेकर हम हमारे नए नए मेहमानों से अपने आप को रूबरू करवाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल इनविजन न्यूज चैनल। मैं फिर से दोनों मेहमानों का तहे से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और सबसे आखिर में आपने समय में समय निकाल के आज जो ये कामकाज ये बात करने के लिए आप जो आज हमारे स्टूडियो में आए, इसे मैं आपका तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूँ और इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ ऐसा मैं जाहिर करता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय महाराष्ट्र।